हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज मेरे शुगर वाले भाई बहनों के लिए नारियल की चटनी लेकर आई हूँ, जिसकी तासीर बिल्कुल ठंडी होती है और बहुत ही फायदेमंद होती है। इसे मेरे शुगर वाले भाई बहन बेफिक्र होकर खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं देगी। और उससे पहले विनती करती हूँ, सैर जरूर करें, 45 मिनट सुबह 45 मिनट शाम को, और अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि यह जिंदगी बहुत अनमोल है। आइए, नारियल की चटनी के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए जान लेते हैं। ये देखिए, ये नारियल, जो एक पूरा नारियल लेना है, साबुत नारियल, ये हमने तोड़ करके धोकर रखा हुआ है। और ये आधी कटोरी मूंगफली, एक नारियल में आधी कटोरी मूंगफली डालनी है। और ये 6 बादाम की गिरी, 6 हरी मिर्च और 5-6 लाल मिर्च सूखी, और ये हरा धनिया जो हमने बारीक काट के रखा हुआ है, और ये राई, साबुत राई, और ये नमक, और ये कड़ी पत्ता। अब सबसे पहले गैस ऑन करते हैं और गैस पर पैन रखते हैं। पैन गर्म होने के बाद इसमें हम आधी कटोरी मूंगफली डालते हैं, इनको रोस्ट करते हैं। और ये बादाम, इनको भी रोस्ट कर लेते हैं, और इनको मीडियम आंच पे ही रोस्ट करना है। देखिए, ऐसे इसको चलाते रहते हैं, रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट इनको इसलिए करना है ताकि इनका छिलका आसानी से उतर सके। ये देखिए, रोस्ट करने के बाद गैस बंद कर देते हैं और इनको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, इनको ठंडा होने देते हैं। अभी देखिए, ठंडा होने के बाद इनके छिलके आसानी से उतर जाते हैं। ये देखिए, ऐसे सारे छिलके उतार देने, ये देखिए ऐसे आराम से उतर जाते हैं, ऐसे सारे उतार लेने, ऐसे। ये देखिए, मूंगफली के ऐसे सारे छिलके उतार देने, हमारी सारी मूंगफली छिल चुकी है। अब एक मिक्सी का जार लेते हैं, उसमें पूरा नारियल डालते हैं। अब इसके बाद हरी मिर्च डालते हैं, जो हमने डंडी तोड़ कर रखी है। अब ये मूंगफली डाल देते, और ये हरा धनिया। अब इसमें आधा कप पानी डालते, ये देखिए। अब इसका ढक्कन बंद कर देते, अब मिक्सी ऑन करते हैं। अभी देखिए, हमारी मिक्सी चल रही है और चटनी बन रही है। देखो, मिक्सी बंद कर देते हैं। अब देखते हैं चटनी कैसी तैयार हुई है। ये देखिए, हमारी नारियल की चटनी बिल्कुल बारीक हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए, एक पैन लेते हैं और गैस ऑन करते हैं। और ये जो नारियल हमने पीस कर रखा हुआ है, अगर आपको लगता कि ये इसमें पानी कम है, पानी आप इसमें दोबारा से डाल सकते हैं। इसमें अब इसमें आधा चम्मच घी डालते हैं। ये देखिए, देसी घी डालना है आधा चम्मच। गरम करते, ये देखिए, जैसे ही गरम हो जाता है, इसमें हम एक चम्मच राई डालते और राई को अच्छे से पटकने देते हैं। ये देखिए, अब इसमें 8-10 कड़ी पत्ता डालते हैं, और ये साबुत लाल मिर्च, इनको अच्छे से चलाते। अब इसके बाद ये देखिए, जो हमने नारियल पीस कर रखा, इसको इसमें डाल देते हैं, सारा डाल देना ऐसे चम्मच के साथ। अच्छे से चलाने के बाद अब इसमें नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। देखिए, स्वाद के हिसाब से नमक डालिए, इसको 2-3 मिनट के लिए पकाते हैं। और ये देखिए, हमारे शुगर वाले भाई बहनों के लिए नारियल की चटनी बिल्कुल तैयार है, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब गैस ऑफ कर देते हैं, उसको परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर बने रहिए। जय माता दोस्तों।